अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन का बटन है उसे दबा के आल पे क्लिक कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो गाइज, कैसे हो सभी के सभी। मैं गिरिराज मंगना आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के आर टेक में। आज का वीडियो होने वाला है अपना गूगल ड्राइव के ऊपर का। गूगल ड्राइव का यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं और ज़्यादातर नहीं करते, और बहुत से तो इसके बारे में जानते भी नहीं है कि ये किस प्रकार यूज किया जाता है। गूगल ड्राइव एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप अपने इमेज को, वीडियो को, PDF फाइलों को, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हो ऑनलाइन पर। अगर आपका मोबाइल कहीं पर रह गया है या कहीं पर भूल आए हो और कहीं पर आपको वीडियो की, इमेज की या फिर PDF फाइल या अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उस डॉक्यूमेंट को आप कहीं पर भी इसको ओपन कर सकते हो, इसलिए गूगल ड्राइव का यूज करते हैं। तो गूगल ड्राइव ज़्यादातर सभी फ़ोनों में इंस्टॉल रहता है। अगर किसी के फ़ोन में नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल ड्राइव नाम से एक एप्लीकेशन है, इस प्रकार से एप्लीकेशन आएगा तो उसको आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये ज़्यादातर सभी मोबाइलों में इंस्टॉल रहता है, तो मैं इसको इंस्टॉल है तो मैंने इसको क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अगर ये लॉगिन रहता है, ज़्यादातर अगर लॉगिन नहीं रहता है तो आपको इसको क्या कर लेना है, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें कोई से भी अगर आपका डॉक्यूमेंट हुआ, इमेज हुई या कोई इंपॉर्टेंट डाटा हुआ तो उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे प्लस का सिंबल होगा, इस प्लस का सिंबल को क्या करना है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फोल्डर लिखा हुआ, अगर फोल्डर पर क्लिक करोगे तो आप फोल्डर, न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा या बन जाएगा। उसके बाद अगर आप अपलोड पर क्लिक करते हो तो अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी इमेजें आएगी, यहाँ पर आप इमेजों को अपलोड कर सकते हो। या फिर आप इधर साइड में तीन डॉट दिख रहे हैं, ये तीन डॉट पे आप अगर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जैसे फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर से आप कोई सी भी चीज़, इंपॉर्टेंट डाटा को अपलोड कर सकते हो या फिर इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को, कहीं से भी कुछ भी गैलरी में से आप अपलोड कर सकते हो। तो अब मैं फिलहाल चाहता हूँ कि मैं केवल यही इमेज को अपलोड करूँगा, तो उस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये अपलोड हो रही है, वेटिंग टू अपलोड का दिख रही है, थोड़ी देर में ये इमेज अपलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने इम्पोर्टेंट डाटा हुआ, इमेज हुई, डॉक्यूमेंट हुए, उनको अपलोड करके रख सकते हो। और कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़े तो गूगल ड्राइव नाम से एक एप्लीकेशन को खोलो और वहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी से ओपन करो और वहाँ पर जो भी चीज़ें आपने अपलोड करी है वो सभी के सभी वहाँ मिल जाएंगी। तो अगर आप इसे चाहते हो कि आपने मोबाइल में ये ऑटो हो जाए, आप मैनुअली इसको अपलोड नहीं करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें हैं मेरे मोबाइल में सभी के सभी गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर थ्री डॉट है, ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दे रखा है, तो इसको क्या कर देना है, ऑन कर देना। और यहाँ पर ये क्लिक करके इसको क्या कर देना है, ऑन कर देना। ऑन करने के बाद यहाँ से आपको अकाउंट चूज करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ से कोई सा भी अकाउंट चूज कर लीजिए, जो भी आपका अकाउंट मेल आईडी है उसको, मेल आईडी को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिएगा। फिलहाल अभी मैं इसको ऑन नहीं रखना चाहता, मैं मैनुअली डालना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। ये देखो अभी मैंने ये फ़ोटो अपलोड करी थी तो ये फ़ोटो अभी अपलोड हो चुके है। इस प्रकार से आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटों को सुरक्षित रख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि और को भी ये इंफॉर्मेशन का पता चल सके। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।